मुल्तान के इलाका अलंग बोहड़ गेट पर मेपको की नाअहली, गिरते खंभे को रस्सी से बांधकर सहारा दे दिया। मकीनों ने हाथ खड़े करके मेपको के खिलाफ एहतजाज किया। बुनियाद से हिला हुआ, जंग आलूद, टूटा फूटा, रस्सियों के सहारे खड़ा बिजली का ये खंभा मेपको की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मुल्तान के इलाका बोहड़ अलंग गेट पर ये खंभा किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मकीनों ने हाथ खड़े करके मेपको के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका का कहना है कि वो दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके, मगर हुकाम टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा जब तक इस खंभे की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं होगा तब तक हुकाम की आंखें नहीं खुलेंगी। दो महीने से कोई वली वारिस नहीं है इस खंभे का, वो पहले गल चुका है, नीचे गिरने वाला है, जानी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और इट्स वेरी डेंजरस, लेकिन वो इसका कोई वली वारिस ही नहीं बन रहा। मकीनों का कहना था कि दो माह हो चुके ये खंभा रस्सियों के सहारे खड़ा है, मेपको वाले तारें उतार कर ले गए मगर खंभे को लावारिस छोड़ गए, जिसके गिरने का खौफ हर वक्त लगा रहता है। फिर अंधेरी हो रहा आगे से आ जासी थल्ले जनाब, रस्सी किसे रस्सी की ताकत है, रस्सी टूट जासी जनाब, बंदा को नुकसान हो जैसे, ट्रैफिक चलती है, बच्चे चलते हैं, औरतें मर्द कारा मोटर हर चीज लग दी है। थोड़े शहरियों ने मेपको हुकाम से फौरी तौर पर खंभा हटाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि मसला हल न होने की सूरत में मेपको दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान।